आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको हल करना है। तो इसमें पहला जो इसका भाग है उसमें क्या करना है, समाकलन करना है स्क्वायर प्लस एक बटे एक से चार घात एक्स की घात चार प्लस एक डीएक्स। और दूसरे भाग में इसमें दो परवलय दिए हैं, उनमें अब उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको पहला भाग इसका हल करते हैं। तो क्या है समाकलन, एक्स की घात दो प्लस एक बटे एक्स की घात चार प्लस एक डीएक्स। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स की घात दो से ऊपर नीचे भाग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक प्लस एक बटे एक्स की घात दो बटे एक्स की घात दो प्लस एक बटे एक्स की घात दो डीएक्स। अब यहाँ पे एक्स की घात दो प्लस एक बटे एक्स की घात दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक बटे एक्स की घात दो प्लस दो, ये हमें याद रखना है। या फिर अगर हम ये एक्स माइनस एक बटे एक्स की घात दो का ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें आ जाएगा ये। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको एक बार रख लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा समाकलन एक प्लस एक बटे एक्स की घात दो बटे एक्स माइनस एक बटे एक्स की घात दो प्लस दो डीएक्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैं अगर एक्स माइनस एक बटे एक्स को टी मान लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे इसका अवकलन करूंगा तो हो जाएगा एक प्लस एक बटे एक्स की घात दो और यहाँ आएगा डीएक्स, ये बराबर हो जाएगा डी टी के। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें ये बदलाव करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक प्लस एक बटे एक्स की घात दो डी एक्स जो है वो डी टी के बराबर है, तो ये ऊपर वाला तो डी टी के बराबर हो जाएगा। और इसको मैंने टी माना था, टी की घात दो प्लस दो को मैं ले सकता हूँ रूट दो की घात दो। अब देखिए यहाँ पे जो ये समाकलन एक बटे एक्स की घात दो प्लस ए की घात दो डी एक्स होता है, ये होता है एक बटे ए टेन इनवर्स एक्स बटे ए। तो हमें यहीं पे इस सूत्र का प्रयोग करना है, ये हमें याद रखना है। तो चलिए इसको प्रयोग करते हैं। तो इसको प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बटे ए यहाँ पे क्या है रूट दो है, तो एक बटे रूट दो यहाँ आएगा टेन इनवर्स एक्स बटे रूट दो, यह यहाँ पे आएगा टी बटे रूट दो और ये हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पे ये टी आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या था सूत्र के हिसाब से एक्स था और यहाँ एक्स क्या है यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे टी बटे रूट दो। अब चूंकि हमें टी का मान पता है तो टी का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। टी का मान कितना था, एक्स माइनस एक बटे एक्स बटे रूट दो प्लस सी। इसको अगर देखें तो ये बराबर हो जाएगा एक बटे रूट दो टेन इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स की घात दो माइनस एक बटे रूट दो एक्स प्लस सी, और यही मेरा पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। हेलो, तो अब चलिए यहाँ पे हम दूसरा भाग इसका हल करते हैं। तो इसका दूसरा भाग हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें यहाँ पे दो परवलय दिए हुए थे, तो उन दो परवलय का मैं यहाँ पे समीकरण देख लेता हूँ। क्या है एक्स स्क्वायर बराबर चार ए वाई, तो एक परवलय था एक्स स्क्वायर बराबर एक परवलय था एक्स स्क्वायर बराबर चार ए वाई और दूसरा परवलय था वाई स्क्वायर बराबर चार ए एक्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो परवलय बना लिए, अब इनमें उभयनिष्ठ जो क्षेत्र है वो तो ये है, तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो परवलय है वो क्या है एक्स स्क्वायर बराबर चार ए वाई और ये परवलय जो है वो क्या है वाई स्क्वायर बराबर चार ए एक्स। तो अब मुझे इस उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पहली जो पहला जो परवलय है वहां से देख सकता हूँ कि वाई बराबर क्या आएगा, यहाँ से वाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे चार ए। यहाँ पे अगर y में इस दूसरे समीकरण में मैं ये मान रखूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे चार ए की घात दो बराबर चार ए एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स की घात चार बराबर चौसठ ए की घात तीन एक्स। इसको इधर ले जाऊंगा तो x बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स की घात तीन माइनस चौसठ ए की घात तीन बराबर जीरो। तो यहाँ से एक्स एक तो जीरो हो जाएगा और दूसरा एक्स क्या हो जाएगा चार ए के बराबर हो जाएगा। x जब जीरो है तो y भी जीरो होगा और x जब चार है तो y बराबर कितना होगा, y भी x को अगर मैं यहाँ पे चार ए रख दूंगा तो y भी चार ए ही आ जाएगा।
मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये वाला जो बिंदु है वो तो 0,0 है, और ये वाला बिंदु क्या है, 4,4 है। अब देखिए इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन करूंगा इस 0,0 से शुरू लेकर के यहाँ इस 4 तक। अब चूंकि मैं अगर x के लिए, मतलब यहाँ पे जो मैं x के लिए करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला ये परवलय है, ऊपर कौन सा परवलय है, इस भाग में 0 से 4 के बीच में ऊपर परवलय है y2 = 4x, तो इस वाले में से मुझे नीचे वाले परवलय का क्षेत्रफल निकाल के घटाना पड़ेगा। तो अगर ऊपर वाले परवलय का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, तो मैं क्या करना पड़ेगा, इस वाले परवलय का समाकलन करना पड़ेगा 0 से 4 तक। तो देखिए, तो मुझे अगर मैं क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल बराबर होगा समाकलन 0 से 4 तक, और क्या करना पड़ेगा मुझे, वाई, तो वाई के लिए dx में कर रहा हूँ, मैं एक्स में कर रहा हूँ, तो जो मेरा पूरा फलन होना चाहिए वो भी एक्स के में ही होना चाहिए। यहाँ पे ये फलन y2 = 4x है, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे y2 = कितना दिया हुआ है, 4x है, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस या √4ax। तो चूंकि मैं सिर्फ प्लस के लिए हूँ वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का 4x आ जाएगा। इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा फिर से 0 से 4 तक। अब देखिए, जो मैंने ये 4x किया है वो ये वाला पूरा भाग आ गया है, जो जिस जो मैंने 4a के लिए किया है वो पूरा ये भाग का क्षेत्रफल आ गया यहाँ पे। अब मुझे ये जो नीचे वाला भाग है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से घटाना पड़ेगा, तब तो मुझे बीच का आ जाएगा। तो देखिए, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये भी dx था और ये भी dx के लिए ही है, इसका अवकलन क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2 a^1/2, और x का अवकलन हो जाएगा, x^1/2 का अवकलन हो जाएगा x^3/2 और √3/2, और यहाँ से आ जाएगा ये 4 और ये 0, ये माइनस, यहाँ से आएगा ये x^3/, यहाँ पे 1/4 तो बाहर ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ से x^3/3 आएगा, और यहाँ से ये 4 और ये 0। तो देखिए, 2 a^1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 a^3/2, और यहाँ पे और ये 2/3 यहाँ पे आएगा, -0 -1/4, और यहाँ से क्या आएगा, 4 a^3/3 -0। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, इस ब्रैकेट खोलूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 और यहाँ पे √4^3/2, और यहाँ पे √1^2/3, माइनस में हो जाएगा, यहाँ से a से a कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो 16 a^2/3। यहाँ देखो तो यहाँ हो जाएगा ये 4 × 8 a^2/3 -16 a^2/3, तो ये वाला 32 है, तो ये 16 है, तो कितना हो जाएगा, 16 a^2/3, और ये मेरा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।